हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राजनीति स्टडी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखा, अब जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, सिंपल सा ये लिखा हुआ है 0.12345637 5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाते हैं। जब भी पॉइंट हम हटाते हैं तो वो हमारे डिवाइड में क्या आ जाता है, वन लिखते हैं। वन के बाद जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं, जितने भी नंबर हैं, जैसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते हैं, उतने 9 जीरो हम यहाँ पर लगाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर पॉइंट को हटा रहे हैं, हटाने में क्या करते हैं, डिवाइड में पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उतने जीरो नीचे लगा देते हैं। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब तो ये देखो पॉइंट हट गया। ठीक है, तो इसके आगे जितने भी जीरो हैं सारे बेकार हैं, इनको हम हटा देंगे। लिखेंगे सिर्फ कितना, 375 अपॉन, ये कितने जीरो थे, 9 थे, इसको सीधा 10 की पावर 9 लिख दिया। जितने जीरो हैं उतने ही पावर में हमने लिख दिया। ठीक है, 9 थे, 9 लिख दिया। अब क्या करना है कि हमें इसे सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल लाना होता है, पॉइंट, मतलब हमें 3 के बाद पॉइंट लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में आता है, और जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पॉइंट, मतलब डेसिमल लगा दिया हमने अपनी तरफ से, 75 इंटू। अब इसमें क्या करेंगे, हम जित पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट लगाने के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना ही इसमें जीरो लग जाते हैं, वन लिखते हैं उसके बाद उतने जीरो लग जाते हैं, नीचे क्या था, 10 की पावर 9। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सिंपल सा लिखा हमने 3.75 इंटू, कितने जीरो थे, 2 लिखे, 10 की पावर 2। ठीक है, अपॉन 10 की पावर 9। अब देखो 9 हमारा क्या है, 9 हमारा यहाँ पर प्लस में है ना, ये प्लस में दिख रहा है 9, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर हम इसको भेज देंगे, तो 3.75 इंटू 10 की पावर 2 है इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा। देखो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, मगर ये तो माइनस का है, तो हम इसको ऐड करेंगे क्या, माइनस करेंगे, देखते हैं। इंटू 10 लिखा, पावर क्या हो रही, ऐड, 2 प्लस अब ब्रैकेट में 9 लिखो। ठीक है, अब जब भी ब्रैकेट खोलोगे 3.75 इंटू 10 पावर, ब्रैकेट खोलो तो माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस में माइनस, 9 में 2 माइनस करो तो क्या, माइनस सेवन आया, और यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, तो 6.289 क्वेश्चन 2। ठीक है, अब इसे लिख लिया हमने। अब तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना होता है कि जो ये पॉइंट है इसको एक डिजिट बाद लाते हैं, मतलब 5 के बाद लाना है। तो कैसे, तो पहला स्टेप होगा इसका, ये लिखा 506, पॉइंट लिखा है 289। ठीक है, तब पॉइंट हटाते हैं अपॉन में, जितने उस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, ये हुआ 1000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको हम 1000 को ऐसे लिख सकते हैं, 506 289, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन जीरो हैं तो 3 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि हमें 10 के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना होता है। सिंपल से लिखा 5, पॉइंट लगाएंगे तो लिखा पहले 0 6 2 8 9। जब भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है जीरो का, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लिखा 50। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे उतना ही इतने मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या करना है, 10 की पावर कितनी थी, 3 थी, लिख दी। अब इसको भी कन्वर्ट करो इस तरह पावर में, 5.06289 इंटू 10 पावर 5। अब क्या, ये दो प्लस का, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10
पावर माइनस थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 5.06289 × 10⁻¹ कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 करते हैं, सी नंबर क्वेश्चन सी लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद, मतलब 9 के बाद ही हमें क्या लाना है, डेसिमल पॉइंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने, ठीक है, लिखा 9 2 8, जितने 0 10 0 10 0 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी, अब हम देख रहे हैं ये हमारा बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, मतलब छोटे में। तो कैसे कर सकते हैं, लिखा 9 2 8 ये हमने लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी ये जीरो हैं यहाँ लगाया मल्टीप्लाई और उसमें लिख दिया 10⁻¹, कितने थे हमारे पास, 0 10 10 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है, हो गया ये 10⁻¹10। ये 10⁻¹10 कैसे आया, देखो, अगर 9 2 8 × कितना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ये है तो इसको हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया 10⁻¹10 में, क्योंकि 10 जीरो थे तो 10⁻¹10 कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या किया, इसके बाद क्या करना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद क्या लाना होता है, डेसिमल लाना होता है। तो हमने लगा दिया यहाँ पर 9.28। जब भी यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, लगाने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, हटाने में क्या करते हैं, डिवाइड में लगा रहे हैं। तो क्या 10⁻¹10 लिखा, हट लगाया है हमने ये पॉइंट, लगा तो था नहीं, लगाया है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻²² से, क्योंकि 10 के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, ठीक है, तो 2 लिख दिया हमने पावर में, ठीक है। अब क्या करो, ये क्या पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो सिंपल ऐड करो 9.28 × 10⁻¹२ 12 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पर डी है ना, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। डी में क्या कह रहा, डी में सिंपल है, 3/ ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/10⁸ लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है, 10⁻¹ को ऊपर भेज देंगे, तो लिखा 3 × 10⁻¹ दो प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगी -8, ये हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल था ये डी नंबर। अब करेंगे ई नंबर, ये है ना 4603 × 10⁻¹⁵, इसमें -5 पहले से दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो और इजी होगा हमारे लिए। क्या करना है, लिखा 4, और हमेशा हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट पर पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाया यहाँ पर 603, पॉइंट लगाते हैं तो कितना मल्टीप्लाई में उतना ही मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उतने जीरो लिख देंगे, 1 2 3 हो गया, × 10⁻¹⁵, ये हुआ, ये तो वहाँ पास गिवन ही था, पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो लिखा 4.603 × 10³ लिख दिया हमने, 3 लिख सकते हैं, × 10⁻¹⁵। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, मगर ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.603 × 10⁻²। -2 हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई हो गया, एफ करते हैं, एफ नंबर, देखिए एफ है, ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी है। क्या करना है, सिंपल से हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, 0.04 7 8 × 10⁴, ठीक है। क्या करते हैं, जब भी पॉइंट हटाते हैं तो क्या अपॉन में उतना ही आ जाता है, जितने कितने यहाँ पे डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, उतने जीरो कितने आ जाएंगे, 7 जीरो आ जाएंगे डिवाइड में, 3 4 5 6 7, ठीक है, हटाने पर आता है डिवाइड,
और लगाते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हुआ 70। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये तो जीरो, पॉइंट हट गया तो इसके आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे लिखा सीधे 478 इंटू 10^4 अपॉन, ये कितने हैं 7 है, तो इसको ऐसे लिख सकते 10^7 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में तो ऊपर चला जाएगा माइनस में, 478 इंटू 10^-4, सॉरी ये तो प्लस ही रहेगा ये माइनस में होगा, इंटू 10^-7। अब देखो मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड होगी, मगर यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो लिखो 478 इंटू 10^-3, ठीक है, तो ये -3 हो गया। अब देखो क्या करना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट लगाना होता है एक डिजिट के बाद, लिखा हमने 4 पॉइंट लगाया, अब जब भी हम लगाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं उतने जीरो का, कितना जीरो है यहाँ पे, मतलब डिजिट 2 है तो 10^2 ही आएगी ना यहाँ पर, इंटू 10^-3, लिखा इसमें क्या हुआ माइनस होगा ना, 4.78 इंटू 10^-1, 2 में -3 जाएगी तो -1 आएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सेकंड। अब इसमें क्या करना है, राइट इन यूजुअल फॉर्म, इसे यूजुअल फॉर्म में करना है, यूजुअल फॉर्म इससे समझ लो थोड़ा सा इसी का अपोजिट, जिसमें ये करते थे उसका उल्टा हम ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन 2 है ये, 2 का फर्स्ट, इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये देखो पावर हमारी माइनस में है, ठीक है। अब देखो इसमें पहले से एक डिजिट के बाद क्या पॉइंट लगा हुआ है, ठीक, डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको हमें हटाना है अब यूजुअल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 3.28। अब ये देखो -8 मल्टीप्लाई में, अगर हम इसे डिवाइड में भेजेंगे तो माइनस जगह ये प्लस हो जाएगा, 10^8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसमें अगर पॉइंट लगा, इसको पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट पर जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, ठीक है, 10^ इसमें 100 आए, मतलब दो डिजिट है ना, दो जीरो आए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 328 अपॉन 10^8 इंटू 10^2, दो जीरो में दो लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, 10 है, पावर ऐड हो जाएगी, तो लिखा 328 अपॉन 10^ कितनी हो गई, ऐड हो गई तो 10 हो गई, हो गई 10। अब क्या करना है, अब इसका इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, 10^10 से डिवाइड, देखो कैसे, समझो पहले 328, 10^10 है, इसको कैसे लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना पॉइंट लगेगा, 10 डिजिट के बाद, 3 डिजिट तो ये हो गई, तो मतलब पॉइंट लगा दो इसमें, लगाओ इसमें 7, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 8। अब इसको इसे डिवाइड कर लोगे, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट नहीं है, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी करेंगे इसी का, क्या 4.083 इंटू 10^4, ठीक है। अब देखो 10^4 है और इसमें थी 10^-8, 10^-8 थी, 10^4 है ये, तो हमेशा क्या करते हैं जब भी पावर 4 में है, मतलब प्लस में है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको देखो 4.083 इंटू 10^4 अपॉन करो, पॉइंट हटाते हैं जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, लगा दिया, इक्वल्स टू 4083 इंटू 10^4 अपॉन में, ये देखो 3 जीरो हैं, इसमें लिख दिया हमने 10^3, ठीक है। अब देखो ये प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो ये डिजिट हो जाएगी माइनस में, 4083 इंटू 10^4 इंटू 10^-3, ये देखो प्लस में थी ऊपर ले गए तो ये माइनस में हो गए। अब इन दोनों को क्या होता है, पावर सेम होती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, मगर यहाँ पे माइनस लगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आएगा कितना 4083 इंटू 10^ कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका इससे डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा,
408 30 0, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, हमेशा जब भी प्लस में होगी, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, अगर माइनस में होगी तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सी ये, चलिए इसे सॉल्व करें। अब देखो क्या कह रहा है, 9.17 मतलब 9.17 इंटू 10 पावर माइनस 5। पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो 2 है तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस है, इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 917 अपॉन 10 स्क्वायर इंटू 10 पावर 5, ठीक है, माइनस की थी, नीचे आएगी तो प्लस ही हो जाएगी। अब क्या करना है, सिंपल सा लिखो, 917 अपॉन, देखो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी 10 पावर 7। अब इसको इसे डिवाइड करो तो कैसे होगा, 917 अपॉन 10 को ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। जब इसका डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा, पॉइंट में 1 2 3 4 9 1 7, ठीक है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन डी ये, चलिए सॉल्व करें इसे जल्दी से। देखो जैसे सी में किया सेम वैसे ही करेंगे, लिखा हमने 2.301 इंटू 10 पावर 9, देखो पावर इसमें प्लस में, ठीक है, अपॉन किया, यहाँ से पॉइंट हटाया, जितने भी डिजिट थे उतने जीरो, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, पावर हो गई 4 की, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल्स टू लिखा 2 1 2 3 1 इंटू 10 की पावर 9, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो 2 1 इंटू, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, मगर ये माइनस में है तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस की 5, प्लस का 5, ठीक है, अब प्लस का 5 आ रहा है, तो सिंपल से समझ जाओ 2 0 1 इंटू 10 की पावर 5 है, 3 4 5 लिख दो, ऐसे सॉल्व कर दो, 2 1 1 2 3 4 5 आंसर। अब क्वेश्चन ए करते हैं, ए में क्या है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9, बहुत सिंपल है, ठीक है, ये 9 है, ई है मतलब, तो 8 है, 8 की पावर माइनस 9, इसको अपॉन में लाएंगे 8 के, डिवाइड में मतलब, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस की 9 हो जाएगी, ठीक है। और जब भी हमें अब इसे डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिखा, अब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा इसका, ठीक है, डिवाइड कर दो इसका तो आएगा 0.12345678, और यहाँ पे लिख दो कितना 8, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था टोटल ऊपर 9, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन ई, अब क्वेश्चन एफ, 7.9 इंटू 10 पावर 3, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, इसमें लिखो सिंपल 7.9 इंटू 10 पावर 3 अपॉन, पॉइंट हटा दो, कितना 0 बढ़ गया, ठीक है। अब क्या करो, ये ऊपर ले जाओ, ये इसकी पावर प्लस में है, कहीं ना कहीं 1 है इसमें, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर 1 है, तो ये 1 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का, 79 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 79 इंटू 10 की पावर 2, अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, 72 इंटू, इसको खोल लो पहले, 100 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7200 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है, कंपेयर द डायमीटर ऑफ द सन दिस मीटर टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ इस, इसमें हमें कंपेयर करना है, ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन है हमारा 3, लिखा 3, अब क्या कह रहा है, डायमीटर है हमारे पास, क्या सन का डायमीटर है, कितना आपस गिवन है,
1.4 इंटू 10 की पावर 9, 1.4 इंटू 10 की पावर कितना था, 9। ठीक है, 9 है ना, देख लेते हैं। हाँ, 10 की पावर हमारे पास 9 दी हुई है, देखा, 9 9 मीटर है, यही अर्थ है। अर्थ की डायमीटर दी गई है हमारे पास 1.27 इंटू 10 की पावर 7, प्लस का है ना, हाँ प्लस 7 मीटर। अब इसमें क्या करना, कंपेयर करना, तो सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1.4 मतलब सन की डायमीटर से, इसे डिवाइड कर देंगे अर्थ की डायमीटर, 1.4 इंटू 10 की पावर 9 है अपॉन 1.27 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, मीटर मीटर। अब क्या करो, अब इसको ऊपर ले जाओ, 1.4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 7, प्लस का है तो 7 आ जाएगा माइनस का, अपॉन 1.27 लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम बेस सेम है, पावर ऐड होगी मगर ये हो जाएगा माइनस का, 1.4 इंटू 10 की पावर 2, 7 में 9 गया कितना आएगा, 2 अपॉन 1.27। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको ऐसे लिखो, 1.4 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो 10 की पावर 2 को, अपॉन 1.27। अब 100 का मल्टीप्लाई 1.4 में करो तो आएगा कितना, 140 अपॉन 1.27। ठीक है, अब 1.27 का डिवाइड 140 में हम करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स में आ जाएगा आंसर 109.75। ठीक है, ये हो जाएगा तो हम आंसर लिख देंगे अप्रॉक्स में कितना आएगा हमारे पास, 110 मीटर आंसर। ठीक है, 110 आंसर ये आएगा, हम अप्रॉक्स 0.75 आ रहा है समथिंग, तो हम इसको 110 मीटर लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।